ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर हो गए आपके सामने। लालू जी एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स रेलवे मिनिस्टर, एक्स जेल इनमेट, एक्स फनमैन ने फिर कुछ कहा है। उनका कहना यह है कि इस साल बिहार में सूखा इसलिए पड़ा है क्योंकि सूर्य ग्रहण वाले दिन नीतीश कुमार ने बिस्कुट खाए। अच्छा ओ, लालू जी कौन से बिस्कुट खाए? नीतीश जी बैड बॉय, इसे अकेले अकेले बिस्कुट खाते हैं क्या? लाइए लालू जी को भी दीजिए। लालू जी खुश? बहुत जल्दी मान जाते। लेकिन एक मिनट खाइए मत, एक मिनट। लालू जी आप तो बिस्कुट नहीं खाते ना, वो तो सिर्फ चारा खाते हैं। बट सीरियसली लालू जी का कहना है कि सूर्य ग्रहण के दिन बिस्कुट खाकर नीतीश कुमार ने देवताओं को नाराज कर दिया है और इसीलिए इस साल बरसात नहीं। तो भाइयों दुनिया में जहां भी बाढ़ आने वाली है ध्यान से सुन ले, बिस्कुट खाओ, बाढ़ क्या बरसात भी नहीं आएगी वहां पर। और सूखा रोकने के लिए क्या खाना चाहिए? भजिया पाओ। अरे अरे रुकिए रुकिए, ये अच्छा आइडिया है, बिस्कुट खाओ फसल नहीं उगेगी। लालू जी ऐसा भी कोई बिस्कुट है जिससे इंसानी फसल होगे? आई मीन बर्थ कंट्रोल है तो गुलाम नबी जी को बता दीजिए। वैसे अगर वैसा बिस्किट होता ना तो आई एम श्योर आप खुद भी खा लेते। नौ बार एमटीवी रोडीज के अगले सीजन में इरफान खान नजर आएंगे। इरफान खान रोडीज में? क्या चक्कर क्या भैया, इस उम्र में लौंडियाबाजी का शौक चढ़ाया क्या? या शायद रोडीज वाले बोलने के लिए ऑस्कर लेवल एक्टर चाहते हैं। लेकिन अनिल कपूर तो आ नहीं सकते, वो तो सिर्फ अरे डैनी बॉयल, डैनी बॉयल, झकास डैनी बॉयल, इतना ही बोलते हैं। राखी सावंत, अरे घूम फिर के राखी सावंत तो चाहिए यार। हाँ तो राखी सावंत और उनके रियलिटी मंगेतर इलेश अब एक नए रियलिटी शो में सचमुच का बच्चा पालने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिलियंट आइडिया, मैं सोच सकता हूँ ये कैसे आया होगा। ऐसा आएगा समथिंग लाइक दिस, सो कुछ बच्चों का शुरू करते हैं। देखो ना सब तरफ बच्चे छाए हुए हैं, बालिका उत्तरण लाड़ो, या फिर सर राखी को लेकर कुछ करते हैं। सर सर कोई कोई रियलिटी शो करते हैं। अच्छा वही चल रहा है सर। एक मिनट सर, एक मिनट, क्यों नहीं राखी बच्चे और रियलिटी शो एक ही में डाल दे। राखी बच्चों को पालेगी, रियलिटी शो राखी को पालेगा। फायदा लेकिन अच्छा है, दो फायदे ऐसे शोज के, एक तो राखी और इलेश का कुछ करते रहना बहुत जरूरी है, उन्हें बिजी रखना चाहिए भाई, ऐसे लोग फ्री सड़क पे आ गए ना तो वाट लग जाएगी, दिक्कत होगी। और दूसरा इससे पॉपुलेशन कंट्रोल, बहुत सारे बच्चे तो इसी डर से पैदा ही नहीं होंगे कि कहीं माँ बाप ऐसे शो में ना भेज दे। गुलाम नबी जी खुश? हाँ वेल। आपकी खुशी के नाम लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे सचिन के रिटायरमेंट प्लान के बारे में। यस yes!